नहीं भाई पोडियम तो सुपर है, सेंटर में है ना भाई, भाई सेंटर में भाई सीधी बात है, पोडियम हटाना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। क्या करूँ आप जहाँ पे खड़े हो जाइए वहीं मार्क। आ रहे आ रहे, थर्ड मार्क पे भी आ रहे। मैम राइट में, मैम मीरा जी सेंटर में। मेरा फोन फोन दे दे फोन दे भाई, धनंजय के पास होगा। हाँ सेंटर में भाई, सेंटर सेंटर राइट में था। अब रहो इधर रखो, सेकंड मार्क सेकंड मार्क सेकंड मार्क। हाँ फोटो फोटो रुकना, पहले विजुअल तो होने थे। कौन है वो बाइट के लिए गाय कर रहे हैं? बाइट नहीं, बाइट बात नहीं। अरुण ना सर, अरुण बाकी सब उसके अंदर जाए, बाकी फेस दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले बैग ले, सो के उठ के आएगा हाफ पैंट। नहीं भाई मैं मेरे लिए थे मैं बेटी का। अरे चलो बेटी का साइडर मनीषा सेंटर, मनीषा यार मनीषा सेंटर इधर 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 एकदम सामने मनीषा, मनीषा यहां पे मनीषा थोड़ा राइट सर, मनीषा सामने सेंटर रखते हैं। एक्स मार्क सर, थोड़ा सा आगे नेक्स्ट मार्क का मार्क लगाया नहीं, मार लगाया नहीं, आपके साथ खड़े हो जाइए, खाली आप सेंटर में आ जाइए सर। थोड़ा बस 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 मनीष भाई, बस 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 इधर ही यही हो जाएगा भाई। लवली यहां पे सामने, आप सामने देखिए ना भाई सेंटर में। थैंक यू। अरे मनोज तेरा साबुन दो है क्या? अरे भाई वेट भाई, जो अपना स्टाफ चला रहा है अलग से बोल रहा हूं। हां हां अलग अमीरी लेट आया रोज का कटेगा भाई। अमीरी अमीरी थोड़ा हमें भी चाहिए। तेरे को राजन को देखो, सेंट्रल में देख लीजिए एक बार। सेंटर में यहाँ सेंटर में, सेंटर में संचित के बाद देखा ही नहीं आपने? नहीं राजन को, राजन बोल रहा ये मैम सामने। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई एक दिन करेगा
आई डोंट कर सकते हमको सेलिब्रिटी आ जाओ उगे का मैं संजय के टीम वाले अरे मैं नहीं करना चाह रहा वो किशन कर किशन क्या कर रहे हो वेट 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 कोई भी करेगा ना तो लफड़ा अपने को करना पड़ेगा ना भाई सर मिले ही मिलेगा जाने ये हटाने सर जगह नहीं मिलेगा पूरा जाम है लाइट वाइट है हेलो फिर सेंटर अच्छा बोला दे बोला क्या बोला अलफू अलफू अरे तू वही जाके आया इतना भी नहीं सीखेगा अलफू आपका सोलो जी सर इधर सेंटर में बस सर सेंटर में सर 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 थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर कोई सर राजन को देखो टूट जाएगा तो कहाँ प्यार और कहाँ बोले भाई वो कहाँ से है वो कहाँ से राजा भाई मेरा भी नोट कर दो राजा भाई ये नोट करो राजा भाई सही सही आउन के हटा दे ऐसा क्या भाई बैठना मार के भाई अरे मार ले तो मार के बैठ जाओ भी मार लेंगे ना ले ठीक है बैठ जाओ ये क्या है थैंक यू राजा मिला क्या नहीं यार थैंक यू सर अभी के लिए नहीं पूरा हटाना जल्दी करो आराम से आराम से चलो रोहित ट्रेलर आ चुका है तो बताइए कि कितने एक्साइटेड आप लोग सफेद को लेकर हम पहले भी सफेद को लेकर मिल चुके हैं ना अब हम ट्रेलर आ चुका है कि आप कुछ कहना चाहेंगे आप इस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग मैंने पहले भी बोला था दिस इज़ वन मूवी विच नीड्स इमेंस मीडिया सपोर्ट बिकॉज एक छोटी सी कोशिश की है छोटी सी मूवी बनाई है आप लोगों को देख के सबसे ज़्यादा खुशी हुई ऑनेस्टली अभी आई एम एक्चुअली मोस्ट एक्साइटेड अबाउट पीपल गोइंग कमिंग बैक एंड नोइंग व्हाट दे wanna say about the film. मुझे लोगों का opinion जानना है क्योंकि हमने एक बहुत छोटी सी screening करी थी अपने दोस्तों के लिए दो तीन महीने पहले तो बहुत different views आए थे कई लोग बीच में से उठ के चले गए थे कई लोगों ने रोना शुरू कर दिया था कई लोग बहुत किसी से बात किए बिना वापस चले गए थे सो आई वॉन्ट टू नो द रिएक्शन ऑफ द पीपल दैट्स आई थिंक जिन लोगों के लिए बनाई है फिल्म मोस्टली वो लोग यहाँ पर आज होंगे एंड जिस चीज़ के रिजल्ट के लिए हम दो साल मेहनत करते हैं जो 250-300 लोगों की एक टीम है जो एक साथ जुड़ के एक किसी क्रिएटिव काम पे लगती है और उसको एक अंजाम पे लाती है आई थिंक आज वो एक पहला पड़ाव है तो आई एम वेरी नर्वस एक्चुअली दिस माय फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ माय फर्स्ट ये एक्चुअली आके बोल रहा था मैं बहुत नर्वस हूँ तो आई एम वेरी नर्वस बट यस नर्वस इन अ गुड वे लेट्स सी For an actor, for an actress, the most challenging thing is to go in front of the camera without makeup and hairdresser. वो सबसे challenging चीज़ होती है शायद हम लोग नहीं करते हम लोग बहुत conscious होते हैं अपनी look को लेकर
जब मैंने ये मूवी शुरू करी थी तो मुझे याद है मैंने चुपके से थोड़ा सा बेस लगा लिया था और संदीप को पता चल गया था. सो ही टोल्ड मी जाओ और मुंह धो के आओ. सो आई वेंट, आई वॉश्ड माय फेस, ही मेड मी सिट, ही कट माय नेल्स, आड़े टेढ़े शेप में उन्होंने मेरे नेल्स काटे. तो वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंगली नाइस चीज़ थी, बिकॉज सुबह उठ के मुझे 2 घंटे मेकअप हेयर में ख़राब नहीं करने पड़ते थे. मैं उठती थी, मैं मुंह धोती थी, मैं साड़ी पहनती थी और मैं शूटिंग पे चली जाती थी. आई थिंक दैट होल एक्सपीरियंस मेड मी एंटर काली इन अ मच ईजियर वे. मैंने बिग बॉस का सिर्फ फर्स्ट जब ग्रैंड फिनाले फर्स्ट एपिसोड जब सारे एंटर किए थे तब देखा था. उसके बाद मैं देख नहीं पाई हूँ बिग बॉस. मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है वो शो. आई डोंट लाइक इट वैन पीपल फाइट सो मच. मैं खुद बहुत अफेक्ट हो जाती हूँ उसको लेके. बट आई वॉन्ट मनारा टू विन, शी हैज़ टू विन, देर इज नो अदर ऑप्शन विद हर. उनके दोस्त अंदर है, मुनावर है और काफ़ी अच्छी दोस्ती दिखाई दे रही है, प्यार भी दिखाई दे रहा है, तो कुछ क्या कहना चाहिए? वो मेरे को पता नहीं, आई हैव नो आइडिया क्योंकि मैंने देखा नहीं है. तो आप जाना पसंद करेंगे मतलब प्रमोशन के लिए, फिल्म के लिए? ऑफकोर्स ज़रूर जाना पसंद करेंगे, बट मुझे लगता है सफ़ेद ऐसी पिक्चर नहीं है जिसको बिग बॉस में जाके हमें प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज हमने एक बहुत ही मीनिंगफुल सीरियस सिनेमा बनाया है. तो हम चाहेंगे कि हम वैसे ही प्लेटफॉर्म्स में जाके उसे प्रमोट करें जिसका वाइब वैसा सेम होता है. सो बिग बॉस इज़ नॉट सफ़ेद टाइप्स. फेवरेट कलर? आई थिंक आज सफ़ेद बोलना पड़ेगा. आई लाइक दैट. नहीं नहीं, सफ़ेद एक ऐसा रंग है जिसके अंदर सातों रंग समाए होते हैं. तो अगर वो प्रिज्म जो होता है ना, अगर उसके अंदर से सफ़ेद लाइट अगर पास करें ना, तो पता चलता है कि उस सफ़ेद में ही सातों रंग है. तो बस उस सफ़ेद का एक छोटा सा रंग आज मैंने पहना. सफ़ेद बहुत बड़ी चीज़ है, बस मैंने एक छोटा सा एक चीज़ पिंक. अच्छा, ये मैडम का एक सवाल है. हाँ जी. चांदी का डायलॉग है, बहुत ही उस डायलॉग में काफ़ी चर्चा हुई थी बोलने से पहले और हमें पता था बोलने के बाद भी काफ़ी चर्चा होगी. चांदी से और आई थिंक जो भी कहा जाता है फिल्म में और स्पेशली इस फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म के बोली बहुत कम है, तो हर चीज़ का एक बहुत गहरा मीनिंग है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस मीनिंग को पहले पूरी तरह जान लें, पहले पूरी तरह फिल्म देख लें, फिर उसके बाद आई थिंक वो आधे सवाल के जवाब तो वैसे ही हमें मिल जाएंगे. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसका जो उसके बारे में हम बाद में अच्छे से बात करेंगे, पहले वो फिल्म देख लेते हैं. मुझे लगता है ये सवाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. थैंक यू.